जिला स्तरीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान का शुभारंभ कांगड़ा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवारना में 6 माह के अदिति अरोड़ा को पल्स पोलियो ड्रॉप्स पिलाकर किया। उन्होंने कहा कि विश्व संस्था संगठन ने देश और प्रदेश को पूरी तरह से पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है और देश में इस अभियान को मिशन के रूप में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को पोलियो मुक्त रखने और इस वायरस को पूर्ण तरह समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तत्परता से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा में 0 से 5 आयु वर्ग के 1,27,836 बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कांगड़ा में ही 1,070 बूथ और 26 ट्रांजिट बूथों का निर्माण किया गया है। इसके लिए लगभग 2140 टीमें तथा 4,280 स्वास्थ्य कार्यकर्ता इसमें भाग ले रहे हैं, जिसका निरीक्षण लगभग 223 निरीक्षण टीमें कर रही हैं। विपिन परमार ने कहा कि लोगों को गुणात्मक एवं आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 100 दिनों में 100 चिकित्सकों के पद भरने का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेश का कोई भी स्वास्थ्य संस्थान बिना चिकित्सक के नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को भरने के लिए अतिरिक्त पद सृजित कर भवारना को मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवारना में साइंस ब्लॉक के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है और शीघ्र ही इसका कार्य शुरू किया जाएगा। यह राष्ट्रीय अभियान है कि हमारा सारे का सारा देश जो है वो पोलियो मुक्त हो जाए। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हमारा हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो चुका है, पर कोई भी बच्चा छूट ना जाए, इसलिए हमारी सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो सजग है कि जो ये चक्र है, कहीं एक भी बच्चा छूट गया तो ये चक्कर टूट जाएगा। इसलिए होशियारी मुस्तैदी के साथ इस अभियान को हम पूरे देश में हिमाचल प्रदेश में अपना रहे हैं। मैं कांगड़ा जिला की अगर बात करूं, ये अभियान आज 28 जनवरी 2018 को इसका प्रथम चरण हमने शुरू किया है और लगभग जिला कांगड़ा की 15,36,824 जनसंख्या हमारे जिला कांगड़ा की है। और ये जो पोलियो ड्रॉप्स हैं, ये 5 साल से नीचे के बच्चों को पिलाया जाएगा और इसमें लगभग 1,27,836 बच्चों को हम कवर करेंगे। और लगभग इसमें जो कुल घर हैं वो 3,26,119 आते हैं। और पूरे जिला कांगड़ा में जैसे यहां बूथ लगा है ये पल्स पोलियो का, लगभग 1,070 बूथ जो है वो कार्यरत हैं। वहीं मंडी में भी पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के हजारों बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई गई। पल्स पोलियो के प्रथम चरण को कामयाब करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने करीब 1100 बूथ जिला भर में स्थापित किए हैं, जिनमें 4000 से अधिक अधिकारी वर्ग कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मनसा देवी ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान का पहला चरण है, जबकि दूसरे चरण के तहत 11 फरवरी को पोलियो की खुराक नन्हे मुन्ने बच्चों को पिलाई जाएगी। इस अभियान में बच्चों के अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है और अपने बच्चों को पोलियो के लिए स्थापित किए गए केंद्र ले जाकर उन्हें खुराक भी पिलाई है। आज हम यहाँ पे पोलियो की दवाई पिला रहे हैं और मेरे साथ मेरी और बच्ची में भी है, आज पूरे भारतवर्ष में पोलियो की दवाई पिला रही है। और ये
यानी कि इसका जो आज प्रथम चरण है और दूसरे में हम 11 मार्च को खिलाएंगे और इसको जीरो माह से 5 वर्ष के सभी बच्चों को दवाई पिलाई जा रही है और इस वक्त हम 100 बच्चों को दवाई पिला चुके हैं।